बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आ रही हैं एक चर्चित क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा। जिग्ना वोरा एक समय पर मीडिया इंडस्ट्री में राज करती थी, लेकिन फिर जिग्ना की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर पूरे तरीके से खत्म हो गया और किसी ने भी उनको नौकरी नहीं दी। असल में बिग बॉस 17 में नजर आने वाली जिग्ना वोरा को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। ये बात साल 2011 जून की है। 11 जून 2011 को क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की जान ले ली गई थी, जिसके बाद पुलिस की तहकीकात के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नाम जिग्ना वोरा का भी शामिल था, जिसके बाद जिग्ना वोरा को 9 महीने जेल में रहना पड़ा और 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। पुलिस का कहना था कि जिग्ना वोरा के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन से कनेक्शन थे और छोटा राजन से जुड़े लोगों ने ही ज्योतिर्मय की हत्या की थी। पुलिस ने जिग्ना और छोटा राजन के कनेक्शन के बाद जिग्ना पर कई धाराओं में आपराधिक मामलों की चार्जशीट दायर की। पुलिस का मानना था कि जिग्ना ने छोटा राजन से बातचीत की थी और वो भी इस मामले में इन्वॉल्व थी। हालांकि रिहा हो जाने के बाद जिग्ना ने सामने आकर अपनी आप बीती बताई थी। जिग्ना ने कहा था कि मेरा छोटा राजन से उतना और वही कनेक्शन है जो कि किसी रिपोर्टर का किसी क्रिमिनल से होता है। मैंने छोटा राजन से सिर्फ एक ही बार बात की थी, वो भी सिर्फ इंटरव्यू के लिए। जिग्ना ने कहा था कि मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आता था कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों पकड़ा गया। कितने रिपोर्टर्स ने छोटा राजन से बात की थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब क्रिमिनल्स हैं। 9 साल बाद कोर्ट ने ये मान लिया था कि जिग्ना का इस केस से कोई लेना देना नहीं और जिग्ना वोरा को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ये भी बता दें कि जब जिग्ना को गिरफ्तार किया गया था तो पूरी मीडिया जिग्ना के खिलाफ थी। जिग्ना वोरा को इससे बहुत दुख पहुंचा था कि उनके खुद के लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। 9 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाने के बाद जिग्ना वोरा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में तरह तरह की खबरें छापी गईं। महिला पत्रकार ही कहती थी कि जिग्ना यहाँ वहाँ सोकर स्टोरीज लेती है। जिग्ना ने कहा कि वो मेरी जिंदगी के सिर्फ 8 साल ही नहीं थे, उन 8 सालों में मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। पूरे परिवार में से कोई भी मेरा सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। मैं और मेरा बेटा अकेले पड़ गए। मुझ पर लेबल लग गया कैदी नंबर 1139। मैं रिपोर्टर थी लेकिन मुझे मर्डरर बना दिया गया। जिग्ना वोरा ने कहा कि मेरा तो जेड डे से कोई कनेक्शन ही नहीं था, ना तो वो मेरे मेंटोर थे, ना ही मैंने उनके साथ कभी काम किया था। वो मुझसे 20 साल सीनियर थे तो कंपटीशन की भी कोई बात आती ही नहीं। जिग्ना ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए, मैं उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, सबको अपनी करनी यही भुगतनी पड़ती है। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद बाइज्जत बरी हो जाने के बाद जिग्ना वोरा ने जब काम पाने की कोशिश की तो उन्हें काम तक नहीं मिला। जिग्ना जिन लोगों को जानती थी उन सभी ने ये कहकर पलड़ा झाड़ लिया कि तुम्हारे ऊपर अब मर्डरर का लेबल लग चुका है, तुम किस किस को सफाई देती फिरोगी। जिग्ना वोरा ने मीडिया इंटरव्यू में कहा, मैं जानती थी मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 9 साल बाद मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन वो लेबल आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जिग्ना ने कहा कि भले ही टैग हट गया हो लेकिन हैशटैग तो है। बात तो सही है, अतीत इंसान का पीछा ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ता। और जिग्ना वोरा पर तो मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए थे। 9 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जिग्ना को बाइज्जत बरी किया गया था। अब जिग्ना वोरा बिग बॉस में आ रही हैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने, उनके साथ क्या क्या हुआ था अपनी आप बीती सुनाने। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।